मित्रों, आज हम जानेंगे कि मोरिंगा की पत्तियों का पाउडर कैसे तैयार किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले मोरिंगा के पेड़ से टहनियाँ तोड़ कर ले आएंगे। टहनियाँ लाने के बाद टहनियों से पत्तियों को अलग करना है। पत्तियों को अलग करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि पीली पत्तियों का चुनाव नहीं करना है, और साथ में ही कई बार कुछ पत्तियां ऐसी भी होती हैं जो कीड़ों के द्वारा खाई गई होती हैं, उन्हें भी नहीं चुनना है। स्वस्थ और साफ पत्तियों का चुनाव करें। पोषण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मोरिंगा के पेड़ में जो पत्तियां होती हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इनमें विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खनिज लवणों की अगर बात की जाए तो मोरिंगा की पत्तियों में आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक इत्यादि खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मोरिंगा की पत्तियां जो है विटामिन और मिनरल्स, खनिज लवणों की जो है खान है। ये सभी विटामिन्स और खनिज लवण हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और एक ही चीज में इतनी ज़्यादा विटामिन्स, इतने प्रकार के विटामिन्स और खनिज लवण अगर मिल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। पत्तियां तोड़ने का काम पूरा हो चुका है। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण कार्य है वो इन पत्तियों को स्वच्छ पानी से धोना है। एक बाल्टी लेंगे या टब लेंगे और उसमें इन पत्तियों को डाल करके स्वच्छ पानी के द्वारा उन्हें अच्छी प्रकार से धो लेंगे। अगर पत्तियों की मात्रा ज़्यादा होगी तो 2-3 बार में ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। अगर कमी है तो 1 बार में ही हो जाएगा। धोने से पत्तियों में जो भी धूल, गंदगी वगैरह लगी होगी, डस्ट पार्टिकल होंगे, वो सारे निकल जाएंगे।
पत्तियों को कम से कम 2 या 3 बार अच्छी तरह से धोएं ताकि उनमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे साफ हो जाएं। पत्तियां जब अच्छे से धुल जाए तो इसका पानी निथरने के लिए इसको हम एक बास्केट में ले लेंगे, जाली वाली बास्केट हो या फिर छन्नी वाली परात हो तो उसमें रख देंगे और करीब करीब ऐसे इसको आधे घंटे तक रखे रहेंगे जिससे इसका पूरा पानी निथर जाएगा। इसके उपरांत जो है इन पत्तियों को हम थाली परात वगैरह में फैला करके पंखे के नीचे कमरे के अंदर ही सूखने के लिए रख देंगे। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि एक महीन चादर हो उसमें बारीक परत के रूप में फैला करके भी हम इसको सुखा सकते हैं। करीब 3 दिन में ये पत्तियाँ सूख जाएंगी और ये पत्तियों की खनखनाहट की आवाज़ बता रही है कि पत्तियाँ पूरी तरह से सूख चुकी हैं और अब ये ग्राइंड करने के लिए रेडी हैं। ग्राइंडर के जार में इन सूखी पत्तियों को भर लेंगे, पूरा ऊपर तक भर लेंगे। और इसके उपरांत ग्राइंड करना शुरू करेंगे। एक टाइम में करीब करीब 30 सेकंड से ज़्यादा ग्राइंड न करें क्योंकि लगातार ज़्यादा देर तक ग्राइंड करने पर इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होंगी कि वो पत्तियाँ जल सकती हैं, उनका पाउडर जल सकता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब इसमें पुनः और सूखी पत्तियां भर लें। और फिर से ग्राइंड करें।
देखिए पत्तियाँ ठीक से पिस गई हैं। पुनः बची हुई पत्तियों को पीस लें। पत्तियों को पीसने की प्रक्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक कि सारी पत्तियां न पिस जाएं। पत्तियां पिस चुकी हैं। अब एक छलनी की सहायता से इसको छान लेंगे। छानने के उपरांत ये जो छन्ने में मोटा भाग छूट गया है उसको दोबारा से हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। देखिए कितना हरा और सुंदर मोरिंगा पाउडर तैयार हो गया है। इसको सुरक्षित रखने के लिए इसको हम एयर टाइट जार्स में भर कर रख देंगे जिससे दीर्घकाल तक सुरक्षित रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।